चलो दोस्तों, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि IAM रोल का यूज़ केस देखा था और रोल का बेनिफिट्स देखा, कैसे बनाते हैं वो भी देखा और कैसे मशीन पे अटैच करते हैं वो भी देखा। अब अभी का लेक्चर में मेरा रोल के ऊपर ही है। मैं थोड़ा सा रोल का और ब्रीफ में आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि रोल का और सेकेंड यूज़ केसेस क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको शुरू करता हूँ। तो जनरली कंपनियों में क्या होता है, देखो कंपनियों में क्या करते हैं पता है, एक AWS का यूज़र अकाउंट अलग रखते हैं। ठीक है, कंपनी में क्या किए, इनका एक ये वाला AWS पे जो अकाउंट है ये इनका यूज़र अकाउंट है। ठीक है, क्या है, यूज़र अकाउंट है। और रिसोर्सेस अकाउंट वो अलग रखते हैं, जैसे ये उनका एक रिसोर्सेस अकाउंट एक हो गया और दो हो गया। रिसोर्सेस बोले तो यहाँ पर उनकी सर्विसेज चल रही है, जिनको वो बोलते हैं AWS रिसोर्स अकाउंट है ये। ठीक है, रिसोर्स अकाउंट वन, और ऐसे इनका रिसोर्स अकाउंट सेकेंड, रिसोर्स अकाउंट टू है। अब क्या करते हैं पता है, AWS यूजर अकाउंट में ये यहां पर यूजर्स बनाएंगे। ठीक है, इस अकाउंट के अंदर यूजर्स बनाएंगे, जैसे यहां पर बनाएंगे यूजर वन, यूजर टू, एन यूजर थ्री, एन यूजर फोर। बट इस अकाउंट के अंदर कोई भी रिसोर्सेज इनके नहीं होते, ये क्या करते हैं, इस अकाउंट में सिर्फ यूजर्स बना के रखते हैं। उनके जो रिसोर्सेज होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं, वो अनदर अकाउंट पे चल रहे हैं, जैसे रिसोर्सेज वन एंड रिसोर्सेज टू, ये एक प्रोजेक्ट है दूसरा प्रोजेक्ट है। अब ये यूजर को कहते हैं कि आप ना इस प्रोजेक्ट को भी हैंडल करो और इस प्रोजेक्ट को भी हैंडल करो। बट ये यूजर तो इस प्रोजेक्ट के अकाउंट के यूजर है ही नहीं, तो कैसे हैंडल करेंगे, ये तो यहाँ पे लॉगिन कर ही नहीं सकते, यहाँ पे भी लॉगिन नहीं कर सकते। ये यूजर तो अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर सकते हैं, बोले तो AWS अकाउंट यूजर के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, बट यहां पर एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि ये यूजर लॉगिन यहां पे करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, यहां से स्विच करके ये इस वाले अकाउंट पे आ सकते हैं और स्विच करके वो इस वाले अकाउंट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्रॉस अकाउंट एक्सेस देना। IAM यूजर को हम क्या करें, क्रॉस अकाउंट एक्सेस देना, ये कहा जाता है क्रॉस अकाउंट एक्सेस। तो ये जो क्रॉस अकाउंट एक्सेस वाला जो प्रैक्टिकल है ना दोस्तों, ये होता है रोल कॉन्सेप्ट के थ्रू। किसके थ्रू होता है, रोल कॉन्सेप्ट के थ्रू। अब रोल कॉन्सेप्ट का मतलब कि यहां पर हम हमारे यूजर हैं, ये लॉग इन करेंगे यहां पर, लेकिन जब ये स्विच करके इस अकाउंट में जाएंगे, तो इस अकाउंट में जाने के बाद इनसे पूछेगा कि आप कौन से रिसोर्सेस को मैनेज करोगे, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारी रिसोर्सेस चल रही होंगी, है ना, जैसे एक S3 रिसोर्सेस होगा, एक यहाँ पर EBS रिसोर्सेस होगा, एक EFS होगा, एक VPC होगा, ऐसे मल्टीपल चीज़ें होंगी। तो जब ये यूज़र यहाँ लॉगिन करके यहाँ से स्विच करके जब इस अकाउंट में आएगा, तो पूछेगा कि आपको परमिशन क्या है, कौन से रिसोर्सेज पे परमिशन है। ठीक है, तो ये परमिशन हम कहाँ डिफाइन करेंगे दोस्तों, ये परमिशन हम डिफाइन करेंगे इस रिसोर्स अकाउंट में। हम क्या करेंगे, एक IAM रोल बनाएंगे और रोल के अंदर परमिशन डिफाइन करेंगे। तो रोल के अंदर हमने परमिशन जस्ट हमने डिफाइन कर दिया कि S3 परमिशन, NEBS परमिशन, NEC2 परमिशन। ठीक है, और रोल का नाम हमने यहाँ पे रख दिया XYZ रोल। तो इसका प्रॉफिट क्या है, जब ये यूज़र यहाँ लॉगिन करेंगे और यहाँ लॉगिन करके जब ये स्विच करके यहाँ पे आएंगे, तो स्विच करके यहाँ पे आने के बाद इनसे पूछेगा कि आप इस अकाउंट के अंदर किस रोल को यूज करना चाहते हो। तो ये बताएगा मुझे ये वाले रोल के पास जाना है, मुझे इस रोल पे परमिशन है, तो इस रोल के पास जाना। तो इस रोल के अंदर जो जो रिसोर्सेस ऐड हैं, ये उतनी ही चीज़ें मैनेज कर सकता है ये यूज़र यहाँ पे आकर। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, ये रोल के कॉन्सेप्ट से पूरा होता है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए मुझे दो AWS अकाउंट की अभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। चलो दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मेरे पास दो अकाउंट है यहाँ पर आज, एक मेरा IAM यूजर अकाउंट है और एक मेरा यहाँ पर रिसोर्स अकाउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिसोर्स अकाउंट में चलते हैं और रिसोर्स अकाउंट में कुछ रिसोर्सेस प्रोविजन करते हैं। ठीक है,
जैसे एक रिसोर्स यहाँ पर चल रहा है तो इसको ही रहने देते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये प्रैक्टिकल कैसे होगा पता है, आप रिसोर्स अकाउंट पे जाके सबसे पहले रोल बनाओ, ठीक है। रोल बनाने के बाद रोल पे आप परमिशन दे देना, और रोल का जो ARN नंबर होगा ना वो इस अकाउंट वाले को आप सेंड कर देना, ठीक है। तो जब इस अकाउंट को आप सेंड करोगे ना, तो जब ये यूज़र वन स्विच करके आएगा तो उसके लिए ये टोकन नंबर के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो हम AWS रिसोर्स अकाउंट में बैठे हैं, फिर से मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे चल के हम पहले रोल बनाते हैं, तो रोल पे जाते हैं, क्रिएट रोल। तो जब हम रोल करें तो देखो यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप रोल अपने लिए बना रहे हो या अनादर AWS अकाउंट। तो यहाँ पर हम रोल अदर AWS अकाउंट के लिए बना रहे हैं, मतलब पिक्चर के अकॉर्डिंग जाए तो हम रोल अपने लिए नहीं बना रहे, हम इस अकाउंट के लिए बना रहे हैं। हमने यहाँ पर अनादर AWS अकाउंट किया, तो कहता है कि अनादर AWS अकाउंट की ID दो यहाँ पर, ठीक है। क्या कहता है, इस वाले अकाउंट की ID दो। तो हम यहाँ पे चलते हैं, ये हमारा IAM यूज़र अकाउंट है, तो इसकी ID कहाँ से निकालेंगे दोस्तों, यहाँ जाके ये देखो यहाँ से आप निकाल सकते, तो ये रही, तो ये हमने यहाँ से कॉपी किया और देन इसके बाद यहाँ पर पेस्ट, उसके बाद नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद कहता है परमिशन किस पे देना चाहते हो, तो यहाँ पे हम परमिशन दे देते हैं। परमिशन लाइक हमने परमिशन दे दिया EC2 फुल एक्सेस, ठीक है। और एक परमिशन दे देते हैं हम वॉल्यूम पे, ठीक है। वॉल्यूम नहीं है, हम यहाँ पर क्लाउड वॉच दे देते हैं, ठीक है। क्लाउड वॉच, दो चीज़ में हमने परमिशन ये दे देते हैं और नेक्स्ट किए। उसके बाद हमने यहाँ पर रोल का नाम बता दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया रोल फॉर अदर अकाउंट, ये मैंने रोल का नाम दिया रोल फॉर अदर AC अकाउंट। रिव्यू नाम पूछेगा, फिर टैग था आपका रोल फॉर अदर अकाउंट, उसके बाद क्रिएट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रोल बन गया, तो ये रोल है। अब इस रोल का ARN नंबर आप क्या करोगे, आप इस अकाउंट वाले को मेल से सेंड कर दोगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कहाँ पर, IAM यूज़र अकाउंट पे आते हैं और यहाँ पर हम एक IAM यूज़र बनाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अगर पहले से होगा तो नहीं बनाएंगे, तो ये देखो IAM यूज़र, ठीक है। अब इस IAM यूज़र को क्या करेंगे, इस IAM यूज़र को हम परमिशन देंगे रोल स्विच होने का, कि आप स्विच करके उस अकाउंट पे जाओगे। तो कैसे देंगे, एड परमिशन में जाएंगे, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी में जाएंगे, यहाँ पर स्विच अकाउंट की पॉलिसी नहीं है तो हम बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, क्रिएट पॉलिसी करके जेसोन में जाएंगे और उसके बाद हम पॉलिसी एडिटर पे जाके पॉलिसी बनाते हैं। ये रहा मेरा पॉलिसी जनरेटर टूल, मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर देखो आप IAM पॉलिसी, यहाँ पर आप सर्विस सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर हमारा पॉलिसी सर्च करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ये आ गया AWS सर्विस टो सिक्योरिटी टोकन सर्विस, ठीक है। एक्शन एज्यूम रोल और ARN नंबर, ARN नंबर कौन सा, यहाँ पर रोल बनने के बाद जो ARN नंबर आपने इसको दिया वो, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, देखो ये ARN नंबर हमने यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद पॉलिसी जनरेटर पे गए और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, उसके बाद ऐड एंड जनरेट, तो ये देखो आ गया, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको,
और कॉपी करने के बाद हम यहाँ चलते हैं, यहाँ भी जाते हैं, और यहाँ पर हमने पेस्ट, उसके बाद देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद रिव्यू पॉलिसी, देन उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी का नाम, तो हमने बोला यूजर वन पॉलिसी, आप कुछ भी रख सकते हो। एंड क्रिएट, बन गई। अब क्या करेंगे, पॉलिसी पे जाते हैं और ये पॉलिसी हम यूजर वन पे अटैच करते हैं, तभी तो वो स्विच कर पाएगा। तो ये रहा यूजर वन और अटैच पॉलिसी, क्लियर। तो अब यूजर वन लॉगिन करेगा आईएम यूजर अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये लिंक कॉपी करते हैं और साइड में हम यहां पर तो पहले काम करते हैं, हम यूजर वन का पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, क्योंकि पासवर्ड मुझे याद नहीं है शायद, कि बहुत कल बनाया था हमने यूजर वन को शायद, या लास्ट लेक्चर में, तो पासवर्ड में भूल गया, तो पहले पासवर्ड उसका रीसेट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोबारा से मैं कम बैक लॉग इन करता हूँ, तो कैंसिल करते हैं, यूजर पे गए, सिक्योरिटी कंसोल पासवर्ड कस्टम पासवर्ड यहाँ पे रख देते हैं हमें AWS@2019, ठीक है। एंड अप्लाई, अब लॉग इन करते हैं यहाँ पे जाके। यहाँ पे जाते हैं डैशबोर्ड, और लिंक को हमने कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट, उसके बाद यहाँ पर यूज़र हम डालते हैं यूज़र वन, ठीक है। यू पासवर्ड यहाँ पर डाला हमने AWS@2019 एंड साइन। तो यूज़र वन देखो अपना आईएम यूज़र अकाउंट पे लॉगिन किया उसने, ठीक है। देखो इसको अपने अकाउंट में कोई राइट्स नहीं है क्योंकि हमने दिया ही नहीं है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से स्विच रोल करेगा। तो जब ये स्विच रोल करेगा तो पूछेगा किस अकाउंट पे आप जाना चाहते हो, तो इसको परमिशन इस पे है तो इस पे आएगा वो, तो कहेगा यहाँ पे जब जा रहे हो तो इस अकाउंट का ना अकाउंट आईडी दो, आप यहाँ पे मांगेगा। तो जब रोल का ERN नंबर दिया गया था तो उसी टाइम पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसके पास पहले ही से। हम यहाँ पे यहाँ इधर से निकाल लेते, कॉपी करते हैं, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर इसके बाद कहता है रोल, वहां जाकर कौन से रोल को यूज करोगे, तो हमने यहाँ पे लिखा रोल फॉर अदर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद स्विच, तो यहाँ पर बोल रहा है कुड नॉट स्विच रोल यूजिंग प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, प्लीज चेक योर सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, कॉन्टेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर शायद अकाउंट को लेकर है, सॉरी रोल फॉर, स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, रोल फॉर अदर अकाउंट, ठीक है, ये मिस्टेक था, स्विच करता हूँ, अब हो जाना चाहिए। अभी भी ये मिस्टेक बोल रहा है, एक बार मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर रोल किस नाम से हमने बनाया था, रोल फॉर अदर अकाउंट, बैठ जाते हैं एक बार। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है।
तो दोबारा से मैं स्विच कर रहा हूँ, स्विच। तो यहाँ पर अकाउंट आईडी मांगा, मैं यहाँ से अकाउंट आईडी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट। रोल बोल रहा, तो मैंने यहाँ पे रोल फॉर अदर यूजर, ठीक है, और स्विच कर दिया। रोल, सॉरी, नॉट अदर यूजर, रोल फॉर अदर अकाउंट, ठीक है, स्विच। तो देखो दोस्तों, ये स्विच करके आ चुका है। तो अब ये स्विच करके आया तो इसने इस रोल को यूज कर रहा है, ठीक है। देखो राहुल, रोल का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ। तो इस रोल पे परमिशन हमने क्या दिया था, वहां से बैठ के हमने सिर्फ परमिशन दिया था कि आप EC2 क्रिएट कर सकते हो और क्लाउड वॉच पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे आके ना EC2 क्रिएट कर सकता है, ठीक है, करके देखते हैं। देखो दोस्तों, EC2 क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं क्या S3 बकेट बना सकता है ये, तो चेक कर लेते हैं एक बार यहां पर आने के बाद। तो देखो कह रहा है एक्सेस डिनाई। क्यों बोल रहा है एक्सेस डिनाई? क्योंकि इधर के रोल पे ना S3 का परमिशन ही नहीं दिया गया। तो अगर मैं लेके चल के दिखाता हूँ, देखो, हाँ, अगर आप रोल पे जाकर परमिशन ऐड कर देते हो, जैसे S3 फुल एक्सेस का, तो तब कर सकता है, ठीक है। तो मैं परमिशन जैसे ही ऐड किया, देखो, और उसके बाद अभी ट्राई करता है एक बार रेफ्रेश करके। तो देखो लिस्ट होने लग गई, मतलब आप कर सकते हो। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हाँ, एक चीज़ और है। अब देखो यहाँ से उसके सामने दोनों दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक अपना अकाउंट और एक इधर का, ठीक है। अब ये वापस बैक अपने अकाउंट में जाना चाहता है तो बैक टू यूज़र वन करके जा सकता है ये, ठीक है, बैक टू यूज़र वन करके वापस चला गया ये अपने अकाउंट में, ठीक है। अब दोबारा वहाँ जाना चाहता है तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी लिस्ट में ऐड हो चुका है ये, देखो, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेगा। अब दोबारा उसको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा यूज केसेस है रोल का। अक्सर कंपनियों में यही किया जाता है, ठीक है, एक ही बंदों से चार चार प्रोजेक्ट पे काम कराएंगे, मतलब चार प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4। अब उन प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग अकाउंट है, ठीक है। अगर वो ऐसा करते हैं कि हर प्रोजेक्ट में उनके लिए अलग अलग अकाउंट आईडी पासवर्ड बनाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा उस बंदे को चार अकाउंट का आईडी पासवर्ड याद करना, ठीक है। तो एक ही AWS अकाउंट के अंदर आईडी पासवर्ड बनाया गया, वो एक एक आईडी पासवर्ड उसको दे देंगे और वो एक आईडी पासवर्ड वो याद कर सकता है, ठीक है, और उसको क्रॉस अकाउंट का एक्सेस दे के उससे सारा काम करवाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था ये AWS के सिक्योरिटी पार्ट को लेकर। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको कुछ डाउट लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं आपको उसको रिकवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को भी सेंड करो, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो दोस्तों, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो IAM के ऊपर ही लेके आएंगे। मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट टॉपिक हम क्या बात करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे आइडेंटिटी प्रोवाइडर के बारे में, अकाउंट सेटिंग और क्रेडेंशियल रिपोर्ट और इंक्रिप्शन की के बारे में, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए इतना ही।